हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून बटर डाला है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, क्योंकि ये बटर पनीर मसाला है तो मैं आपको बटर पनीर मसाला की रेसिपी बता रही हूँ। और जो मैंने मक्खनी ग्रेवी बताई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैं उसको यूज करने वाली हूँ। इसके बाद लिए हैं मैंने ये सूखे मसाले, एक चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच मैंने किचन किंग लिया है, आधा चम्मच हल्दी लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे और मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि मसाले जले नहीं, उसके लिए आप इसको पानी में पहले घोल लें अच्छे से। और ये देखिए हमारा ये बटर भी गर्म हो गया है, ऑयल गर्म हो गया है, तो ऐसे ही हमें स्लो गैस रखते हुए इसको मसाले को डाल देना है। गैस बहुत तेज ना रखें, नहीं तो मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। आप गैस को मीडियम फ्लेम कर लें और इसको भूनें ऐसे। एक से दो मिनट हो गया है, देखिए आप जाली पड़नी शुरू हो गई है, मसाला जो है वो भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारी मक्खनी ग्रेवी जो हमने पहले से बना के रखी हुई है, किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। मसालों की खुशबू है, मक्खनी ग्रेवी है, आप घर में पनीर बनाने जा रहे हैं वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इसको हम करते हैं अच्छे से चारों तरफ से मिक्स। अब ये उबाल आ गया है, ग्रेवी हमारी जो है ऑलरेडी बहुत अच्छी पकी हुई है। और देखिए अगर आपकी ग्रेवी बनी हुई रखी है ना तो कितना आसान सब्जी बनाना हो जाता है, ये आज आप देखेंगे। और इस पे हमें कितनी ग्रेवी हमें बनानी है, कितना हमें थिक उसकी ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, ये देखिए। और इस स्टेज में हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे, चक्कर देख लेंगे कि नमक कम है तो हम और ऐड कर दें, आपको हल्का सा मीठा पसंद है तो हल्का सा चीनी ऐड कर दें। शहद मैं नहीं प्रेफर करती हूँ क्योंकि गर्म चीज में शहद डालना नहीं बताया है। तो ये देखिए आई थिंक परफेक्ट ग्रेवी है, एक उबाल आ जाने देते हैं। उबाल आ गया है और हमने टेस्ट करके देख लिया है, यकीन मानिए बहुत यम्मी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हमने पनीर की क्यूब्स काट ली हैं और 200 ग्राम पनीर का पैकेट ही मैंने लिया है, जितना आप डालना चाहें, पनीर ज्यादा पसंद है ज्यादा डाल दें। तो इतनी ग्रेवी में मैं इसमें 200 ग्राम पनीर डाल रही हूं। इसको एक उबाल आने देते हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया ये पनीर वाली मक्खनी पनीर जो है ग्रेवी तैयार है। सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून क्रीम। और क्यों, तो 1 चम्मच बटर हम फिर से डाल देंगे क्योंकि बटर इसमें ज्यादा जाएगा। और ये देखिए सिल्की बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार है। और आप चाहें तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी लास्ट में आप डाल सकते हैं क्रश करके, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और ये पता भी नहीं चलेगा कि ग्रेवी आपकी फ्रेश नहीं है, आपने रखकर बनाई है, और कितनी जल्दी से ये सब्जी बनकर तैयार है। आशा करते हैं आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो लग रही है ना यम्मी, ट्राई करके देखिएगा, देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी पनीर। और इसमें दो सब्जियां बन जाती हैं, देखिए ये आप, मैंने आधी यूज की है, जो मैंने ग्रेवी बताई है ना आपको उसमें दो सब्जियां बन जाती हैं और 3 सर्विंग्स के लिए ये काफी है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग और हरे धनिया की पत्ती से करते हैं गार्निश। और ये देखिए ये यमी सी लगने वाली सब्जी जो है वो बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।